इस वीडियो में कुछ हटकर दिखाएंगे हम, आप लोगों के नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक लोग कुछ नहीं जानना चाहते, हमेशा उनका प्रयास रहता है नहीं जानने का, और हमारा भी प्रयास रहता है कि हम कुछ नई नई बात बताएं। तो अभी हम आए हैं एक बड़ी नाली के पास, बड़ी नाली गंगरेल बांध से जैसा पानी छूटता है और इसी नाली में आता है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है गंगरेल बांध, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बांध है जो महानदी से जुड़ी हुई है, और यहाँ से जो पानी छूटती है गंगरेल बांध से, जो सबसे पहले इसी नाली में जाती है, और उसी नाली में हम पहुँचे हुए हैं, और इसी नाली से रिलेटेड हुए हम आपको और आगे ले जाएंगे और सारी गतिविधियों के बारे में बताएंगे, और आपको पानी की धार कैसी होती, कौन सी जगह कैसी मूवमेंट करती है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलो भाई, आप सीधा पानी के धार को दिखाओ, उसके बाद हम आपको डिटेल दिखाएंगे। तो हमारे दर्शक साथी, हमारे किसान साथी, आप लोग इसको देखो भाई, ये है यहाँ पानी निकल रही है ना, ये देखो मैं आपको जूम अप करके दिखा रहा हूँ, देखो ये पानी निकल रही है। देखो आप लोग यहीं पर एक कंपेयर कर लो, हर एक किसान बोलता है कि भैया ऐसा है वैसा अपने खेत का स्ट्रक्चर है ना, तो आप लोग यही देखो, मैं एकदम लास्ट बॉर्डर में खड़ा हुआ हूँ, देखो है ना, ये देखो ये, अगर थोड़ी सी भी मैं अगर चुकता हूँ तो पैर गिर जाएगी भाई, इतने लास्ट हिस्से में खड़ा हुआ हूँ। अब ये पानी है देखो ये है ना, ये पानी बह रही है, देख लो, देखे ना, ये उस हिस्से का दीवार है ना। अब देखो पानी को, देखो हमको हाथ में भी अच्छे से पकड़ना पड़ा है मोबाइल को, ये पानी बह रही है ना, ये देखो इसको भी देख लो, अब इधर देख लो, अब इधर देख लो, नाली तो एक ही है, बड़ी नहर है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नहर है ये, सीधा बलौदा बाजार तरफ निकल जाती है धमतरी होते हुए, तो इतने गोड़ा है देख लो इसमें है ना, कहीं में पानी स्लो है तो कहीं में पानी स्पीड है ना। और इसी तरह से धरती के अंदर भी बड़ी 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 नहर है, बड़ी बड़ी नदी है, जैसा कि ऊपर में है ना, इसी तरह से सेम अंदर में भी है ना, और पानी तेज़ी से बहती रहती है भाई, देख लो ये बड़ी नहर है और इसमें तेज़ी से बहती रहती है पानी है ना, इसी तरह से ज़मीन के अंदर भी बहती रहती है। अब देखो मैं आइड साइड का भी दिखा रहा हूँ, उधर देखो ये नहर के दूर में देखो, ये हम जम करते हैं, इधर कोई नहर नहीं है, कई किलोमीटर तक इस तरह के नहर नहीं है, अब इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इधर भी कई किलोमीटर तक नहर नहीं है ना, हालांकि ये नहर डैमेज हो रही है, इसको रिपेयरिंग करेंगे बाद में लोग। तो ये मेरा बताने का प्रयास यही है कि यह जो नहर है धमतरी जिला में बीचों बीच है ना, धमतरी शहर से होते हुए बीचों बीच निकली हुई है, ऐसी क्या सब जगह नहर निकलती है? नहीं, ये मुख्य नहर है और इसके कई सहायक नहर है, हजारों भाग हजारों जगह ये छोटे छोटे नाली के रूप में कटी हुई है, वहाँ से पानी पूर्ति होती है, एक दूसरे एरिया में पानी की पूर्ति होती रहती है ना, इसी तरह से ज़मीन के अंदर भी है, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, किसी को 10 HP का पानी मिलता है तो किसी कहीं कहीं 50 HP तक का पानी चलता है, और इसी तरह के धार जहाँ पर लगा होता है वहाँ 50 HP का पानी चलता है, तो कहीं 25 HP का चलता है, तो कहीं 15 HP का चलता है, तो कहीं 5 HP का चलता है, तो कहीं 1 HP का चलता है, और कहीं पर धूल उड़ जाती है, ऐसी होता है। इस तरह के जहाँ जिसके खेत में धार पड़ गए है ना, तो वहाँ भक्कम पानी चलेगा, उससे थोड़ी और छोटी सी हो गई नाली तो उसमें कम धार पानी चलेगा, उससे और छोटी सी कम होते होते चलता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों का ये रहता है कि हमारे खेत में भी उनके बोर जैसा पानी चले, कोई बोलता है उनके बोर जैसा, तो भाई सबके भाग में ऐसा नहीं होता, ये धार जहाँ से गुजरी हुई होती है उसी को ज़्यादा पानी मिलेगा और बाकी के लोगों को पानी कम मिलेगा। तो चलो हम इधर जाते भी हैं, पास में भी जाके दिखाते हैं आपको है ना, पास में भी जाके दिखाते हैं जहाँ पानी गिर रही है ना, वहाँ से भी दिखाते हैं आपको, चलो है ना, हम पास में भी जाके दिखाते हैं, अभी तो हम जूम करके दिखा रहे हैं दूर से है ना, अब हम आपको पास में भी जाके दिखाते हैं, देखो ये है ना, अब हम इसके ऊपर में भी जाकर दिखाते हैं, चलो है ना, हम इसके ऊपर में भी जाकर दिखाते हैं, चलो
चलो हम इसके ऊपर में भी जाकर दिखाते हैं, एकदम ऊपर में ही चल रहे हैं, है ना। एक हिस्से में पट्टी दिख रहा होगा, पैदल चल रहे हैं भाई, देखो ये। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, चलो ये दिख रहा है पानी कैसे चल रही है, बह रही है, देखो ये, है ना। अच्छे से पकड़ना पड़ा भाई, नहीं तो 1.5 लाख रुपए का मोबाइल चूना लग जाएगा। देखो छूट गई तो फिर आप लोगों के लिए यार हम कैसे कैसे वीडियो लेके आते हैं, देखो ये, है ना, ऐसा है। अब हम उस हिस्से से भी दिखाते हैं, चलो अब हम आपको उस हिस्से में भी ले जाते हैं जहाँ से इस हिस्से से आ रही है पानी, है ना। चलो हाँ चलो हम इस हिस्से से भी दिखाते हैं, चलो दिख रहा है पानी बह रही है, हाँ उधर से पानी आ रही है, है ना। तो ऐसा है, तो इधर से भी हम आपको जाके दिखाते हैं भाई, है ना, इधर से भी दिखाते हैं, चलो इधर से भी दिखाते हैं, इधर से भी दिखाते हैं, हम इधर से भी दिखाते हैं, चलो आपको वीडियो, हम इधर से भी दिखाते हैं आपको वीडियो, है ना, इधर से भी दिखाते हैं, चलो देखो ये, इस हिस्से से भी क्लियर दिख रहा है ना, देख लो भाई ऐसा है। तो ये नज़ारा बहुत अद्भुत होता है, देख लो। कई लोग बोलते हैं ना, किसी के खेत में बोर खुदाई चल रहा था, ड्रिलिंग करते करते केसिंग, मतलब ड्रिलिंग करते खुदाई करते हुए खुदाई के समय, है ना, हैमर अंदर बह गई, राड टूट कर अंदर बह गई, पानी की धार इतनी अधिक मिली कि पूरे राड को बहा कर ले गई, है ना। तो इसी तरह के धार जहाँ पर मिलता है ना भाई, वहाँ राड भी बह जाता है, देख लो भाई कितनी खतरनाक पानी होती है। ये धमतरी जिला के गंगरेल बांध से छूटा हुआ पानी है, जो कि बलौदा बाजार जिला में जाती है, उधर आगे भी जाती है, ऐसा है। हम आगे का हाल और दिखाएंगे, इसी नाली में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद और समझाएंगे, छोटे नाली में भी जाएंगे, सब दिखाएंगे, थोड़ा से हमारे वीडियो में बना रहा है भाई, है ना। अभी हम इसी नाली में और आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ और कहाँ किस तरह से कंडीशन निर्मित होती है, उसको भी दिखाएंगे। अभी हम इसी नाली में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अभी हम लोग बाइक में सवार हैं और आगे जा रहे हैं भाई, है ना। तो एक और रक्त पैसी ढाल पड़ेगा, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें पानी की धार में क्या डिफरेंस है ना। यहाँ लोग नहाते भी हैं, जगह जगह सीढ़ी बना हुआ है, तो कहीं पत्थर उखड़ा हुआ है ना, वहाँ पर लोग नहाते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई देर नहीं करते भाई, क्योंकि ये बहुत गहरा है, है ना, ये बहुत गहरा है। अंदर चला गया तो भाई मान कर चलो कि ये बहक जाएगा, इतना है। कई लोग इस नहर में डूब कर मरे भी है भाई, है ना। देखो नहाएंगे भी ना तो एकदम पास में ही रहते हैं, देख लो, है ना, पास में ही कुदी लगाएंगे, अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जाएंगे कोई, अंदर नहीं जाएगा कोई, है ना। तो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी जब बहती है तो धार कैसी होती। देखो जिस जहाँ पर ढाल पड़ती है, है ना, नाली तो वही है, ये बड़ी नाली है, है ना, लेकिन ढाल जहाँ पड़ती है वहाँ उसकी मूवमेंट बदल जाती है, और ये कई शाखाओं में पट्टी होती है, तो इसी से निकलती है छोटी छोटी नाली, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, है ना। थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे एक ऐसी जगह, पहुँचेंगे जहाँ पानी की ढाल और पानी की रफ्तार बहुत तेज है, है ना। अभी हम सफ़र में ही हैं, अभी हमारा सफ़र जारी है, है ना, स्लो करके चलो, हमारा सफ़र अभी भी चालू है, है ना। सुबह का समय है, करीब करीब 8 बजने को है, अभी हमारी सफ़र जारी है। देखो भाई
हमारा सफ़र कुछ देर और जारी रहेगा, है ना, कुछ देर और जारी रहेगा। चलो अभी जब तक हम नहीं पहुंच जाए एक पर्टिकुलर जगह में जहां हम जाना चाह रहे हैं, तब तक वीडियो जारी रहेगी। हम आपको दिखा रहे हैं धमतरी ज़िला का सबसे बड़ा बांध है, धमतरी ज़िला जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बांध है जिसको बोलते हैं जीवनदायिनी बांध, वो है गंगरेल बांध। यदि गंगरेल बांध नहीं होती तो छत्तीसगढ़ सूना हो जाता। इसे धान का कटोरा नहीं कहते बल्कि यहाँ के लोग कंगाल हो जाते, यहाँ के किसानों में कंगाली छाई होती। यही एक गंगरेल बांध है, यही पानी है जो किसानों के अस्तित्व को बचा कर रखी हुई है। किसान आज नाच करते हैं, सबसे ज़्यादा धान उपज करते हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कीमत मिलता है धान का, तो इसी गंगरेल बांध की वजह से है, इसी पानी की वजह से किसानों की जीवन दय सुधरी है। यही एक ऐसा बांध है और इसी बांध से और इसी नाली से पानी होकर गुजरती है, यह जीवनदायिनी नाली है। ये नहर नहीं बल्कि ये जीवन देने वाली जीवनदायिनी नहर है, है ना, इससे जीवन जुड़ी हुई है, इसलिए लोग इसको बहुत ही आदर और सम्मान के भाव से देखते हैं। यहाँ तो ऐसे कई नदी है, खारू नदी है, शिवनाथ नदी है और कई तरह के नामों से बनी बनी नदी है, लेकिन मुख्य नदी है महानदी और ये महानदी सिंह में बनी हुई है गंगरेल बांध जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। ऐसे तो शिवनाथ नदी भी है, राजनांदगांव जिला सबसे अधिक उससे सिंचित होता है, है ना, लेकिन ये सबसे बड़ी बांध है गंगरेल बांध जो कि महानदी के तट पर बसी हुई है, है ना। और धमतरी ज़िला जिसे पहले धर्मतरई के नाम से जाना जाता है क्योंकि अब धीरे धीरे कन्वर्ट होकर उसकी धमतरी हो गई है, है ना, और ये रुद्री गंगरेल बांध है ना उसी के तट पे बसा हुआ है। और हमारा प्रयास है आपको दिखाएं, कंटिन्यू दिखाएं और इसी जगह ले जाकर दिखाएं जहां पर पानी अब कैसे मूवमेंट बदलती है, पानी की धार बदलती है तो कैसा उसमें प्रभाव पड़ता है, सबको दिखाएंगे हम आपको। बसरते हमारा सफर जारी है, आप लोग बने रहे, भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। देखो भाई ये हमारा सफ़र कंटिन्यू जारी है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नहर है, ये नहर भी सबसे बड़ा नहर है, सबसे चौड़ी नहर है ये जिसके हम तट पर चल रहे हैं, है ना। ऐसा ना जा रहा आज तक आपको कोई नहीं दिखाया होगा और हम दिखा रहे हैं। सॉरी भाई आज सफ़र में है और इसका आप लोगों की दुख तो उठाइए इस वीडियो के माध्यम से, है ना। देखा दिखा रहे हैं हमारा प्रयास रहता है कुछ नहीं दिखाने का, है ना। देखो पैदल ही रास्ता है किनारे में, है ना, तो बाजू में नहर, ये अभी छोटा सा दिख रहा है कैमरे में, जूम करेंगे तब पता चलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है ये, है ना। इतनी चौड़ा तो बड़े से बड़े गांव के तालाब भी नहीं होता, इतनी चौड़ी है ये नाली, तो सोच लो अगर इस नाली में बोर्ड बना देना तो ये नाली से होकर गुजरने में भी बहुत सहूलियत होगी, है ना। डायरेक्ट धमतरी से बलौदा बाजार जा सकते हो भी एक घंटे के अंदर, अभी दिन गुजर जाता है जाने में, लेकिन इस नाली में अगर बोट चलना शुरू हो जाए तो फिर एक घंटे में हम धमतरी से बलौदा बाजार का सफर तय कर लेंगे। इतनी चौड़ी है ये नाली, एक गाड़ी आ सकती है, एक बोट आ सकती है, एक बोट कम कर कई बोट जाए, साथ चल सकती है, कई बोट साथ आ सकती है, इतनी पानी का बहाव इसमें रहता है। गंगरेल बांध में पानी हमेशा रहता है, है ना, और इसमें बहाव भी हमेशा रहता है। अभी इस पानी को छोड़ा गया है, अभी छोड़ा गया है लोगों के नहाने के लिए, उनके तालाबों के लिए, है ना, क्योंकि तालाब सूख गए हैं। अभी लोग इसमें क्या किए, रबी फसल बोए हुए हैं तो वे लोग इसी पानी से अपने खेत को सिंचित कर रहे हैं, कोई मनाही नहीं होती, जिनका मर्जी जैसा करना चाहे, क्योंकि पानी यहाँ भरपूर है। पानी कम होती तो लोग विवाद करते, लेकिन यहाँ पानी भरपूर मात्रा में, इसलिए कोई वाद विवाद झगड़ा का नाम ही नहीं है। यहाँ देख लो कितनी स्पीड से जा रही है, हाँ। और ऐसे जगह में हम पहुँचेंगे जहाँ पानी की गति बहुत तेज है। किनारा थोड़ा से टूट रहा है, भसक रहा है, होता रहता है वहाँ, इसके लोग उसमें लगे हुए लोग इसकी रिपेयरिंग करते रहते हैं। हम जा रहे हैं धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर पहुँच रहे हैं, देखो ये यहाँ देख दिख रहा है, यहाँ से पानी की धार तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है।
देखो कितनी बहाव है, कितनी बहाव है, कितनी बहाव है। देखो जवान आदमी भी अगर कूदे बीच में तो कहाँ पर जाकर उसकी कहाँ मिलेगी उसको, कोई नहीं जान पाएगा। इतनी बहाव तेज रहता है, इतनी बहाव तेज रहता है उस पानी का, इसमें लोग उछल लगाने से भी डरते हैं। बस किनारे में ही नहाएंगे, अगर कोई बीच में चला गया तो पता नहीं किस रोक में वो मिलेंगे। इतनी तेज रहती है पानी की धार। हम धीरे धीरे उस पुल में भी पहुँच रहे हैं, धीरे 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 हम पहुँच ही रहे हैं। हमारा सफर अभी लगातार जारी है, देखो हमारा सफर लगातार जारी है, हमारा सफर लगातार जारी है, हमारा सफर लगातार जारी है, इसके बाद भी हमारा सफर जारी रहेगा। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखो कितनी कितनी निर्मल है गंगरेल बांध का पानी। देखो कितना निर्मल है पानी, देखो गंगरेल बांध का पानी बहुत ही निर्मल है, बहुत एकदम साफ सुथरा है, एकदम गंगा जल की तरह है। देखो वाराणसी में जाकर देखोगे तो गंगा जल इतनी आपको नहीं लगेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर है। इसमें यदि आप सिक्का भी अगर डालोगे तो भी आपको एक नज़र आ जाएगा, देखो एक कंकड़ भी आपको नज़र आता है, इतनी निर्मल है यहाँ की पानी। और देखो पानी की बहाव कितनी तेज है, ये देखो है ना, ये एक नहर, ये जीवनदायिनी नहर है, जीवनदायिनी नहर है, ये बहुत ही जीवनदायिनी नहर है ये। और इसमें से पानी होकर पूरा खेतों में जाती है, तालाबों में जाती है, जीवनदायिनी नहर है ये, है ना। अभी हमारा सफ़र जारी रहेगा, अभी हम और आगे जाएंगे, अभी और आपको दिखाएंगे इस नहर के बारे में, और हम आपको एक विशेष चीज़ भी बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे। देखो जूम करके दिखा रहे हैं, कितनी तेज़ इसकी रफ्तार। हम आगे जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कितने ज़ोरों से पटकती है पानी, है ना। हम आपको आगे दिखाएंगे भाई, हम अपने सफ़र को आगे जारी रखे हुए हैं और उस स्थान पर आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पर पानी तेज़ी से पटकती है। देखो दिख रहा है, दूर से दिख रहा है भाई कितनी तेज़ी से पटक रहा है पानी। हम उस जगह पर लेके जा रहे हैं, हमारा सफ़र अभी भी जारी है। देखो इसकी रफ्तार और इसकी निर्मलता को देखो, पानी कितने एकदम काजल की तरह लगेंगे, काजल की तरह लगेंगे आप। देखो कितनी निर्मल है, ये धमतरी का है, धमतरी जिले का नजारा है, ये एक अंग्रेज भाग से निकली हुई पानी का नजारा है। देखो भाई देखो, हम इस नाली से होकर आपको दिखा रहे हैं कितनी कितनी निर्मल है। देखो हम एक छोर पे चल रहे हैं और उस जगह आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पानी पटकती है जोरों से। अगर उधर से बहते हुए कुछ आई और वहाँ पटक दिया तो आदमी का चिथड़ा उड़ जाता है, बड़े से बड़े वाहन भी वहाँ धराशाही हो जाते हैं, इतनी तेज है, निर्मल है, इतनी साफ सुथरा पानी तो आपको किसी भी नहर में नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में जितना भी नहर बना हुआ है उनमें से सबसे साफ सुथरा पानी आपको इसी नहर में मिलेगा। अंतरी से छूटने वाली गंगरेल बांध की जो पानी है वो सबसे निर्मल पानी में गिनी जाती है, है ना। इस पानी को आप कहीं पर भी पी सकते हैं, इतनी तरोताज़ा है यह पानी, पीने का भी आपको मन करेगा फिर भी आपको किसी तरह की बात नहीं आएगी, इतनी निर्मल है। देखो ये हम आपको उस पटकना में ले जा रहे हैं जहाँ पानी की रफ्तार तेज हो जाती है। यहाँ पर खड़े होकर दृश्य देखने में भी डर लगती है, और सोच सकते हैं ये नहर अगर बांध में ले जाएंगे तो भी डरावना होगी, है ना। हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे उस जगह पर। देखो कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है पानी का भी, देखो कितना सुंदर नज़ारा है।
बहुत ही सुंदर नज़ारा है और हम आपको बहुत ही पास में ले जाके दिखा रहे हैं। देखो हम आपको बहुत बहुत पास में ले जाके दिखा रहे हैं, है ना, हम आपको बहुत बहुत पास में ले जाके दिखा रहे हैं। देखो पानी, यहाँ की पानी कितनी निर्मल है। देखो ये गंगरेल बांध से छूटी हुई पानी है, है ना, गंगरेल बांध से छूटी हुई पानी है। ये धमतरी जिला की सबसे बड़ी नहर है, छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी नहर है। और ये देखो, है ना, देखो कितनी तेज है, तेज बहाव है, लोग यहाँ नहाने के लिए भी आते हैं। ये टूटा हुआ हिस्सा है, इसमें नहाते हैं खड़े होकर। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी समुद्र के तट पे खड़े हुए हैं। और जब आप गंगरेल बांध जाएंगे, है ना, वहाँ उसके तट में खड़े होंगे तो उससे भी अद्भुत नज़ारा रहता है भाई। देखो इतनी साफ सुथरा पानी है, देखो, और इसमें गंदगी भी आपको नहीं मिलेगा। देखो एक गोटी भी रहेगा ना, देखो हम दूर से दिखा रहे हैं आपको, इतनी जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत दूर से खड़े होकर भी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। इस मोबाइल की जूमिंग पावर इतनी अधिक है कि आप 1.5 किलोमीटर तक के भी देखो, ये इतनी दूर से भी बैठे हैं इंसान को आप देख सकते हैं। और हम आपको और पास में ले जाके दिखाएंगे, और पास में ले जाके दिखाएंगे, भले 5 मिनट और ना सही, लेकिन हम आपको पास में ले जाकर दिखाएंगे। देखो पानी कैसे, देखो गंगरेल बांध से छूटी हुई पानी है, ये गंगरेल बांध से छूटी हुई पानी है, गंगरेल बांध से छूटी हुई पानी है। कितनी तेज, कितनी रफ्तार से है, देखो कैसे तट से टकराती है। देखो आपको ये लगेगा कि आपने समुद्र के तट में पहुंच चुके हैं, इतनी इतनी ज़बरदस्त पानी है। यहाँ पर जो आएगा वही सोचेगा कि काश मैं इसमें डुबकी लगा के नहा लेता, इतनी इतनी निर्मल पानी है, ये इतनी निर्मल पानी है। देखो ये यहाँ की गंगा मैया है, ये इसमें लोग डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं। देखो लेकिन गंदगी कोई नहीं फैलाता, ये छत्तीसगढ़ वासियों की सबसे बड़ी खूबी है, इस नहर को बचा के रखा, इसमें गंदगी का आप नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। देखो देखो ये पानी है, ये पानी है, हम इसके तट में बैठकर देखते हैं, बहुत पास में ले जाकर दिखाते हैं, है ना। चलो हम आपको बहुत पास में ले जाकर दिखाते हैं, इससे और आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यही हमारी लास्ट सीमा है। अब एकदम हम बॉर्डर में खड़े हुए हैं, देख लो हमारे पैरों की उंगली को हम दिखा देते हैं, है ना, इससे और आगे हम नहीं बढ़ सकते। देखो ये अद्भुत नज़ारा है, ये नहर है, छत्तीसगढ़ की नहर है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी नहर है, है ना, सबसे लंबी नहर है, इससे लंबी और इससे चौड़ी कोई नहर नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखो भाई ये, देखो ये दिख रहा है, हम आपको और छोटा करके दिखा रहे हैं। चलो देखो ये यहाँ की पानी जब बहती है तो कैसे बहती है, देखो ये, देखो हम आपको दिखा रहे हैं, हम यहीं पर खड़े हो जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर खड़े होना किसी हर एक की बस की बात नहीं, इतनी तेज आवाज़ है पानी की। देखो ये है ना, इतना पानी छोड़ता है नहर में, और यही पानी धीरे धीरे सब खेतों में पलती है। देखो ये, देखो ये दिख रहा है, देखो ये कितने विहंगम दृश्य है ना, कितने सुंदर नज़ारे हैं। देखो ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, पानी की धार है ये, देखो इधर पानी कैसे मस्त किलोरे लेते हुए बह रही है, ये जीवन देने के लिए निकलती है, है ना, कितने सुंदर पानी है। देखो कितनी चौड़ी नहर है, कितनी चौड़ी और इतनी बड़ी नहर है। देखो भाई ये, इसमें लोग तट पर ही खड़े होकर नहाएंगे, उससे ज़्यादा इधर उधर का रिस्क नहीं लेते। देखो किनारे में है ना, एकदम किनारे में ही सफ़र रहता है, उधर भी देख लो भाई। हाँ इधर हम आपको दिखा रहे हैं, एक इधर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बच्चा भी नहाने के लिए आया अपने पापा के साथ, वो भी किनारे में ही खड़े होकर नहाएगा। दूर इसमें इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, अगर इसमें ट्रक गिर गया ना
तो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर जाके वो उसका दृश्य हम देख पाएंगे। इतनी तेज रहता है ना, क्योंकि हमें एक बार देखा था यहाँ पर एक ट्रक गिर गई थी इस नहर में, देखो आज भी टूटा हुआ है ऐसे एंगल है ना इधर, अच्छा इधर एक ट्रक गिरी हुई थी इसमें, और ट्रक जब गिरी तो कहाँ जाकर कि उसको बाहर निकला ये पता नहीं चल पाया लोगों को, बहुत दूर जाके आगे फंसी वो। देखो पानी, ये पानी देखो, ये पानी है ना, पानी पानी रे पानी तेरा रंग, इतना विहंगम दृश्य, इतनी सुंदर नजारा, इतना अद्भुत नजारा आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी नहर में नहीं मिलेगा। ऐसा अद्भुत नजारा देखना हो तो आप लोग बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। देखो यहाँ पर चढ़ने के लिए एक स्विफ्ट बनाया गया है, देखो ऐसा अद्भुत नजारा आपको देखना हो तो बिल्कुल आप आइए छत्तीसगढ़ के इसी नहर में आ जाइए है ना, छत्तीसगढ़ किसी नहर में आ जाइए। देखो हम पास से भी दिखा रहे हैं और पास से होकर दिखा रहे हैं, देखो हम पास से होकर दिखा रहे हैं और पास में आ गए। देखो इतने पास में आने की अनुमति किसी को नहीं होती है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये नहर है, ये नहर है और इसके ऊपर उठी हुई धारा है, जल की धारा है, जल की धारा है। देखो देखो हम यहीं पर से दिखा रहे हैं, इससे और आगे हमारा कदम नहीं जा सकता क्योंकि हम इसका तट पर है। दिख रहा है पानी, पानी दिख रहा है, देखो कितनी कितनी जबरदस्त पानी है यार, देखो कितनी उबाल मारती है ना, कितनी उबाल मारती है, देखो कितनी उबाल मार रही है। देखो ये पानी है, ये कोई बागान किया बहुत बड़े सरोवर नहीं है, ये एक नहर की पानी है। देखो इतनी तेजी से पानी छूटती हुई छूटती है, इतनी तेजी से पानी छूटती है नहर के लिए। सिर्फ एक नहर है छत्तीसगढ़ का, एक नहर है जो कि सबसे बड़ी नहर है, धमतरी जिला से छूटती है और बलौदा बाजार से और आगे जाती है। ये पूरे जीवन देती है ये नहर, ये नहर छत्तीसगढ़ के किसानों का जीवन देने वाली नहर है ये, है ना। इसी नहर से पानी, इसी नहर में पानी गंगल बांध का छूटता है और लोगों को जीवन देते देते आगे बढ़ती है, इसी को हम दिखा रहे हैं। तो किसान भाई जमीन के अंदर भी इसी तरह की बड़ी बड़ी नालियाँ रहती है, और ये बड़ी नाली होती है उसके कई शाखाएँ होती है ना, और वो शाखाओं की भी शाखा होती है, इस तरह आगे बढ़ती रहती है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि रोड होली के दौरान भी इस तरह के पूरा वहाँ की हैमा सब बह जाता है, तो इसी तरह की धार जहाँ बढ़ जाती है वहाँ बह जाता है। हमें सुनने को मिलता है कहीं 50 HP का अपने प्रचारक गई, उससे ज़्यादा हमको प्रचारक गई, तो ऐसी जिसके खेत में पड़ गई भाई धार जो वहाँ चलना नहीं चलता है। तो धरती में हर एक जगह एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है, तो आप लोग कभी नहीं सोचना है कि उनको किसी को नकल नहीं करना, किसके में ऐसा है तो मेरे में ऐसा होना चाहिए, जो आपके धार चल रही है आपके एरिया में उसी तरह से रहेगा है ना। देख लो भाई अंदर जिस हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाएं, अच्छा अच्छा दृश्य दिखाएं और जितनी नॉलेज से भरी वीडियो हो सके आपके लिए बनाएं। क्योंकि सॉरी भाई जिस एरिया में जाता है जैसी परिस्थिति बनती है वैसा वीडियो आपके लिए लेकर आता है, और हमारी वीडियो में हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए होती है ना, कुछ ना कुछ होती है। हाँ बच्चे लोग हैं वो भी आनंद ले रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो भाई देख लो मेरे बताने का प्रयास यही है कि धरती के अंदर हर एक जगह नज़ारा एक जैसे नहीं होती है, कहीं मोटी धार चलती है, कहीं उससे पतली चलती है, कहीं उससे पतली चलती है, तो फिर कहीं मोटी चलती है, इस तरह चलती है। और किसानों किसकी खेत में इतना पानी निकला, मेरे में भी इतना निकलना चाहिए, ऐसा कंपटीशन की भावना कभी मत रखना। कंपटीशन की भावना रखोगे उसके खेत में 50 HP का चल रहा है तो मेरे में भी 50 HP का चलेगा, ऐसा मत सोचना।
ये नहर जैसे कि चल रही है, एक लिमिट है। छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़, लेकिन एक एक छोटी सी जगहों से होकर गुजरती है ना, सब जगह से नहीं गुजरती। ऐसी पानी भी है, बड़ी बड़ी धार पूरे धरती के अंदर गुजर रही हो ऐसा नहीं है, कहीं से गुजर रही है तो कहीं शाखाओं में बढ़ती हुई है, इस तरह से रहती है। तो नकल कभी नहीं करना है इस चीज़ का। आपके ज़मीन में जितना मिल गया उतने में संतुष्ट रहो। एक जगह नहीं मिल रहा दो जगह कर लो, दो जगह नहीं मिल रहा तो तीसरा जगह कर लो। थोड़ा थोड़ा से ही आप बड़ा बन जाओ, ये बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी पानी से भी आप ज़्यादा विकसित हो सकते हो, लेकिन नकल कभी मत करना। ये मत करना कि यहाँ पर 50 है, वहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35, ऐसा गुना भाग मत करना। सब जगह अलग अलग रहती है, इसके बीचों बीच ड्रिलिंग करोगे ज़्यादा मिलेगा, आउट साइड करोगे तो पानी कम मिलेगी। इस बात को आपको सोचना है। कंपटीशन की भावना और खुदाई के मामला में कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इस बात को ध्यान में रखना है भाई। मेरा प्रयास आप लोगों को जागरूक करने का रहता है, किसी को डराने धमकाने का नहीं है। जो बात है सो बात है, मैं रियल बात ही आप लोगों को बीच में बताता हूँ भाई। तो सौरी भाई का वीडियो कैसा लगता है यार आप लोग ज़रूर बताना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सौरी भाई को अनुमति दीजिए। अब पानी की धार का आनंद उठाते रहिए, फिर हम मिलेंगे। जय जोहार।